असलम एवरी वन वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में तो, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रोटियां मिल रही हैं और रोटियां बना रही हैं अम्मी बड़ी मज़ेदार मजेदार सी और आज आपके साथ काफी दिनों के बाद व्लॉग शेयर कर रहे हैं क्योंकि ना पता है ईद के बाद ना आ, मतलब रमज़ान के बाद बेसिकली रूटीन सेट करने में काफी टाइम लग जाता है मतलब ना ऊपर नीचे की सेटिंग ये हो जाती है ऊपर नीचे से मुराद ये है नींद और आपकी ना सुबह उठने की टाइमिंग बहुत ऊपर नीचे होती हाँ। है तो टाइम पे ना ही उठा जाता है और ना ही टाइम पे सोया जाता है और मुझे तो अभी तक ऐसी है कि तीन बजे तक मुझे भूख लगने लग जाती है <laughs> सैरी टाइम खाना खाया वो तो फिर भी मुझे भूख लगने लग जाती है आप लोगों के साथ हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा मुझे बताइएगा कमेंट करके मेरे में? साथ अभी तक ऐसा ही हो रहा है अच्छा स्टार्टिंग जो ईद के तीन चार दिन गुजरते हैं ना उस वक्त तो आप रोजे वाले मोड में होते हैं तो उस वक्त नहीं फील हो रहा होता इतना ज्यादा कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा भूख का एहसास नहीं हो रहा था लेकिन हाँ अपनी टाइमिंग पे हो रहा होता है जो अवतार की टाइमिंग होती है और जो शहरी की टाइमिंग होती है तो ईद की जो रूटीन होती है ना तो ऐसी होती है ना लेट सोना होता है और शाम में मतलब कुछ ना कुछ मंचिंग वगैरह वो सात बजे चल रही होती है ना तो वही रमजान वाला ही एक तरह से रूटीन चल रहा होता है और अभी ऐसी सूरत हाल चल रही है हम फिर भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी सो जाएँ जल्दी उठ जाएँ लेकिन वो ना सारी की टाइमिंग ही ऊपर नीचे हुई भी है ऐसे वैसे होता है हर साल यही होता है हर साल दिन काफ़ी टाइम लगता है दस दिन ही ज्यादा टाइम लगता हाँ। है सेट होने होने में आप लोगों को कितना टाइम लगता हाँ। है सेट होने में जरूर कमेंट करके बताएगा हमें एटलीस्ट बीस दिन तो लग ही जाते हैं यार हम कराची वाले तो वैसे ही शई है ना रातों के हम लोग जागते रहते, <laughs> रहते हैं पांच पांच बजे तक बहुत गलत बात है खैर अब आ जाते हैं हम इतनी सारी चीजें निकल गई बहुत सारी क्लिप्स आप लोग समझ गए होंगे ये वही क्लिप्स चल रही है मतलब ये रात का टाइम है ये रात का टाइम है और ये दावत के अगले दिन का क्लिप है जो दावत ब्लॉग आप लोगों ने देखा था उसके अगले दिन रात का ये मतलब डिनर चल रहा है तो वही मेकरोनी ना अम्मी ने ना फ्रिज में रख दी थी तो फिर बस उसको गर्म कर लिया था रात के टाइम पे और ये चिकन का जो ये मसाला था रेशमी मसाला तो इसको गर्म कर लिया था बस ये हमने डिनर कर लिया था उसके बाद फिर ना हमने एक पार्सल अपना खोला क्योंकि ये रिसीव हो गया था और ना मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी मैंने ना बोला जल्दी से इसकी ना वीडियो जरूर बनाऊंगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट वाला पार्सल है और ये मैंने बड़े शौक से मंगवाया था कीचन्स मंगवाई हैं बेसिकली और ये ना थीम बेस कीचन्स थी मुझे ये एक पेज पे

और हमें थोड़ी ना सस्ती लगी लेकिन ना घर पे जब हमने मंगवा ली तो अब्बू कहने लगे बहुत महंगी मंगवाई है फिर मैंने अब्बू को बताया अब्बू हजार बारह सौ दो हजार रुपए तक की मिल रही होती हैं बहुत सस्ती हैं खैर एक हमने वो मंगवाई थी ये वाली जो है क्योंकि ये ना मेटल वाली है ये वो प्लास्टिक वाली नहीं है इसमें कोई भी मतलब ख़राब भी नहीं होंगी हाँ इसमें कोई सी भी चीज प्लास्टिक की नहीं है तो ये खराब तो होगी नहीं डैमेज होगा आप देखिए इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीजें बनी हुई है तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी है तो इसमें ना ये एक मशीन वो वाली बनी हुई है जो मिक्सचर वाली वो मेकर है एक विस्क है और एक आई थिंक कप बना हुआ है इसके बाद दूसरी जो है वो है पिज्जा लवर के लिए तो इसके अंदर नाइफ बनी है और okay. फोक बना हुआ है पिज्जा है और दूसरा क्या है कुकबुक अच्छा कुक बुक है और, और जो तीसरी किचन है वो मेरे लिए थी वो तीसरी किचन जो थी वो थी फूड लवर के लिए तो उस पर फ्रेंच फ्राइज बनी हुई थी और क्या बना हुआ था पिज्जा है, है। आइसक्रीम है सोडा है मतलब ओहो आहा हाहा मेरी फेवरेट वाली तो मैंने तो अपने लिए वाली अच्छा, तो ये वाली मंगवाई थी अच्छी के तो लिए बहुत सारे डिजाइन थे बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही थी लेकिन हमने सोचा अभी हम एक एक मंगवाते हैं फिर बाद में देखेंगे किस तरह से मंगवाना है वैसे कराची की जैसे हालात है ना ये तो वाली किचन ना बैग्स वगैरह पे अच्छी लगती है मतलब इस ये खीस वगैरह के लिए नहीं है मेरे हिसाब से और की रखना चार, लगाना चाहते हैं इसमें तो लगा दें लेकिन ये क्या बैग वगैरह नहीं होते उसके अंदर लगी हुई बहुत अच्छी लगती है जैसे, जैसे कि हम कॉलेज टाइम पे लगाया लगाया करते थे तो ये और अब बड़े अरसे बाद में आप लगाऊंगी अपने बैग में लेकिन हम लोग बैग वगैरह यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि कोई भी पीछे से आएगा बाइक वाले भाई और स्नैच करके ले जाएंगे इसलिए <laughs> क्लचेस यूज कर लेते हैं तो उसपे हम यूज हाँ। कर लेंगे अच्छा खैर उसके बाद ना ख्याल आया कि ना ये मैं लेकर आई थी और फ्राई टाइम वाले किस ने खाए फ्राई जरूर कमेंट करके बताएगा क्योंकि ये मेरे फेवरेट वाले पापड़ थे मतलब बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मैं ये लेकर जाती थी और कभी कभार मिल जाया करता था कभी कभार नहीं भी मिलता था तो फिर मैं ये लेती थी

खा लिया था और वो रात का टाइम था अब ये है सुबह का टाइम और सुबह के टाइम काफी अरसे के बाद वैसे मैंने ऑमलेट बनवाया था अपिये से बनवाया था मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा से था और आधे कुछ छः सात दिन बाद <laughs> नहीं नहीं ऑमलेट की बात कर रही हूँ मैं आपकी बात नहीं कर रही नहीं नहीं ऑमलेट की बात ही कर रही हूँ ऑमलेट बना था कुछ छः सात दिन बाद क्योंकि रमजान में हमने काफी दफा बना के खाया अच्छा। नहीं नहीं वो इस तरीके से, से सैंडविच बना के खा रही थी ना हाँ। तो नया रोटी की तरह वो निवाला तोड़ के नहीं खा रही थी समझे जरा आप कितना डिफरेंस है ना क्वालिटी होनी चाहिए बस डिफरेंस करने में चलो सिर्फ हम ये डिफरेंस ही तो कर पाते हैं ज़्यादा कुछ, कुछ नहीं कर पाते कुछ नहीं कर पाते खैर इस तरह से सैंडविच बना के कौन कौन खाता है अच्छा बटर लगा के सूहे को भी रियलाइज नहीं हुआ जोहे बोल के आ रही है मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया उसको <laughs> कि मतलब आप निवाला तोड़ के खाओ या सैंड में रख के खाओ बात तो एक ही है ना यार <laughs> देखिए ज़रा कभी कभार ये इस तरह मेरी बहुत टांग खींचती है चलो कोई बात मज़े, भाएने, भाएने। नहीं मजे बड़ी है बड़ी हंसी मजाक वाला टांग खींच ले कोई तो अच्छी बात है वो तो खींच लेना चाहिए हंसी मजाक तो जिंदगी जिंदगी का नाम है लेकिन जो लोग होते हैं ना जो आड़े आके और टांगे खींच रहे होते हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते धुर फुटे मुँह यार तमीज़ लोग यार ऐसे लोग बेचारे यही करते रहते हैं उनको हाँ। छोड़ो तुम तो नेगेटिव लोग होते हैं ऐसे लोगों का जिक्र भी नहीं करते जिक्र भी नहीं करता और फिर आ जाते हैं ये है शाम का टाइम हमने दोपहर का खाना नहीं खाया था क्योंकि बड़े मजेदार सा ना तरबूज आया हुआ था अम्मी ने ना दोपहर में ही काट के रख दिया था और इसको ना हमने शाम के टाइम ना इंजॉय किया और हमने खाना नहीं खाया था हमने बोला यही खाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो गर्मी बहुत हो रही है इसके अलावा हमने नाश्ता बहुत देर से किया था और ये कुछ हमने तीन चार घंटे बाद तरबूज खाया था बहुत ही मजे का लगा तरबूज और जैसे कि रमजान में एक अलग टेस्ट

घंटे या चौदह घंटे बाद अपना फास्ट तोड़ते हैं तो उस वक्त आप कोई भी चीज खाएंगे तो इतना और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी उस वक्त खाया नहीं जा रहा होता hmm. तो ना वो जरा उस वक्त अलग टेस्ट लगता है लेकिन आप नॉर्मल डेज में खाएं कोई भी चीज इसलिए ना रमजान के जो अलग जायके होते हैं ना वो अलग ही होते हैं रमजान के मन के ही होते हैं और उसकी ना बरकतें भी और उसकी रौनक भी एक अलग ही अलग ही चीज है खैर अब आ जाते हैं रात के खाने के टाइम पे और खाने के टाइम पे अम्मी ने बना दी थी दाल और उसमें रोटी चोर के खाई थी क्योंकि मैं कर रही थी काम और थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर रही थी तो उसमें बिजी थी और उसके बाद जो बहुत जरूरी काम करना था कब से करना था और ये काम टल रहा था मतलब अपने फ्रिज की सफाई करनी थी और हमें ना याद थे लास्ट में जब हमने रमज़ान से पहले अपना फ्रिज साफ किया था ना बहुत सारे लोगों ने हमने ना गर्म पानी से धो धो के साफ किया था तो काफी सारे लोगों ने कहा था ऐसा नहीं करते गर्म पानी से धोने से फ्रिज खराब हो जाता है तो आप ना ये हेयर ड्राई जो होता है ना उससे आप लोग करके देखिएगा तो उससे फिर हमें याद आया कि ना हाँ इस तरह से करके देखते हैं कि किस तरह से हो जाती है तो खैर हमने हेयर ड्राई जब इस इस्तेमाल किया ना ओ माई गॉड मतलब इतना इम्प्रेस हुए ना हम ये मुश्किल से दो दो या तीन तीन मिनट अब इसको हेयर ड्राई लगाया था तो मतलब और ये पूरा एक वॉल पे इस हाँ सिर्फ तीन जगह पे सिर्फ बर्फ थी उस ऊपर वाले पे सामने वाले पे और नीचे जो जमीन होती है उसके ऊपर ना सिर्फ दो दो तीन तीन मिनट ही मैंने बस इस पे से ना क्या कहते हैं हेयर ड्राई लगाया है इसको और ये गिरना स्टार्ट हो गई थी सही हल्का सा बस नाइफ से मैंने इसको लूज किया तो ये फॉरन से गिर गया था पूरा इतना बड़ा पीस अच्छा ये बिल्कुल फ्रंट पे जमा हुआ था और हम हटा सकते नहीं क्योंकि हमारा गोश वगैरह सा, सारी चीजें रखी हुई होती हैं वो ख़राब हो जाती है इसको बंद नहीं करना चाह रहे थे हम घंटों के लिए ना हाँ और क्योंकि जाहिर सी बात है पता ही होता है कि दावत वगैरह होगी या घर में मेहमान आ सकते हैं तो पहले से सारी चीज़ें स्टॉक करके रखनी पड़ती हैं हम लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि घर के पास से उतनी अच्छी क्वालिटी का गोश्त वगैरह नहीं मिल रहा होता इस वजह से तो खैर अच्छा इससे किया तो बहुत क्या कहते हैं जल्दी काम हो गया हमारा मतलब दस से पंद्रह मिनट के अंदर ना ये बर्फ़ वगैरह जो थी ना हमने निकाल के फेंक दी थी और क्या कहते हैं और आधे घंटे के अंदर हमारा फ्रिज वगैरह जो था ना वो अच्छे से साफ हो गया टोटल टाइम आधा घंटा लगा है दस मिनट में खाली ये पूरी बर्फ निकली है निकल और बाकी के हाँ। दस पंद्रह मिनट में हमने इसकी सफाई करी है साबुन समेत मतलब सारी पूरी सफाई करके ये बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था और इतनी हमें खुशी हुई कि यार ये हम पूरा पूरा दिन खोल के रखते थे फ्रिज को और मतलब उसका दरवाजा खुला रहता था पानी बहता रहता, पानी रहता था हाँ निकलता इसमें अच्छा पानी भी नहीं बहा मतलब फ़्लोर गंदा नहीं हुआ कुछ इस तरह से नहीं हुआ और बड़ी साफ़ सुथरी तरीके से हो गया अच्छा एक और मैं ना, इसका एक माइनस पॉइंट मेरे दिमाग में जो आ रहा था वो ये आ रहा था ये थोड़ा सा डेंजरस है इस हवाले से कि यार ऊपर जब हम हेयर ड्राई से मैं कर रही थी ना तो उसमें से पानी की बूंदे गिर रही थी जाहिर सी बातें मेल्ट हो रही थी बर्फ़ ना तो मुझे ये था कि हेयर ड्राई के अंदर ना चली जाए या तार के ऊपर ना गिर जाए करंट भी लग सकता है तो मुझे ना एक ये माइनस पॉइंट लगा यहाँ पर हम शेयर तो कर रहे हैं आप लोग ये करिएगा तो अपने रिस्क पर कीजिएगा और हाथ हाँ दूर रखेगा हाथ दूर रखिएगा क्योंकि मैंने ना जब तक ऊपर की बर्फ मैंने फ़्रंट पे से ही किया था ताकि ऊपर की बर्फ़ निकल जाए मैं अंदर हाथ डाल के नहीं कर रही थी स्टार्टिंग में किया था जब मैंने देखा बूंदे गिर रही हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिजली से कनेक्टेड और हम पानी के अंदर ऊपर वो कर रहे हैं ना एक तरह से तो मुझे थोड़ा सा ये डेंजरस लगा इस इस हवाले से अगर आप लोग इस इसको इस्तेमाल करें इस ट्रिक को तो बहुत ध्यान से कीजिएगा और अपना पूरा ख्याल रखिएगा तो ज़रा ख्याल से कीजिएगा क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रहता है क्योंकि जोया पकड़ के बड़े मज़े से खड़ी हुई थी और बर्फ़ को भी पकड़ी हुई थी मैंने कहा बहन या तो इसको पकड़ लो या फिर इस पानी को हाथ लगा लो कोई एक काम कर लो मतलब कोई एक को खड़ा कर दीजिएगा जो हेयर ड्रायर लगा दे मतलब घर के जेंट्स को खड़ा कर दीजिएगा वो अच्छे से लगा देंगे और क्या कहते हैं उसके बाद एक बार हाँ, उठा, उठा ले मतलब थोड़ा सेफली काम किया करें और ख़्याल रखते हुए अपने सारे काम किया करें अच्छा अब आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत से केक्स जो कि के हम काफ़ी अरसे से बनाना चाह रहे थे बेकिंग करने का बहुत बहुत दिल चाह रहा था और ये हमने बनाए ये जब हम फ्रिज वगैरह साफ़ कर चुके थे ना उसके बाद हम ये बनाने खड़े हुए अपिया ने बनाए बहुत खूबसूरत मिनी लंच बॉक्स केक हैं और इसकी रेसिपी अपलोड कर दी है टेस्टी फूड इथ मारिया पे तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा बहुत मजेदार से केक बन के तैयार हुए और थे वो आपको टाइम दिखा रही थी ये रात का टाइम हाँ था। जब मतलब हम फारिक हम फारिक हुए थे इसकी पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद और फिर सारा सेटअप वेटअप सब कुछ समेटना होता है हमें Uh, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलारा बिखरा हुआ होता है हिम्मत होती है तो मैं बर्तन धो देती हूँ नहीं होती तो नहीं धोती हमसे बसट कर देते हैं समेट के रख देते हैं या कोई भी बर्तन वगैरह ना जैसे कि क्रीम के बाउल्स वगैरह उसमें हम पानी डाल के रख देते हैं ताकि सुबह में अम्मी उठेंगी पहली मरतबा मतलब स्टार्टिंग में अम्मी उठती हैं सुबह ही सुबह अगर हम सो रहे हैं रात को चार बजे या पाँच बजे मतलब हमें सोते सोते इतनी देर तक अगर हम काम करते हैं ना तो फजर हो ही जाती है हमें सोते सोते और मोस्टली ऐसे होता है हम जितने भी ब्लॉगर्स हैं या हम जिनके कुकिंग चैनल्स हैं तो वो

से बताया आसान तरीके से बताया है असल में हमें टाइम यूं लगता है क्योंकि हमें एक एक शॉट एक एक क्लिप हाँ, दिखा हमें होती है। अलग से दिखानी पड़ती है तो उसका एक एक फ्लावर बनते हुए दिखाना पड़ता है तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है मतलब डिटेलिंग तो, दिखानी हाँ, होती है हमको ना क्योंकि हम सिखा रहे हैं यहाँ पे टीच कर रहे हैं बता रहे हैं कि इस चीज़ को आप किस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हैं हाँ खैर ये बहुत ही वायरल वीडियो है और काफ़ी टाइम से अभी दोबारा से वायरल हो रहे थे ये ट्रेंडिंग पे आए हुए हैं इस केक्स को ज़रूर बनाइएगा जरूर बनाएगा और अगर इनमें से कौन सा अच्छा लगा तो वो तो ज़रूर आप लोगों ने बताना है कलर कॉम्बिनेशन किसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है वो तो आप लोगों ने ज़रूर जरूर बताना है तो इस तरह कुछ मसरूफ़ तरीन हमारा दिन गुजरा और बस इसी तरह की रूटीन चल रही है इनशाला रेगुलर हो जाएंगे ब्लॉग्स में और आपके साथ सारे के सारे शेयर करते रहेंगे और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज़